एवरी वन दिस इज शैलेन्द्र पांडे वेलकम बैक टू अरिहंत पड़ाकू आई एम योर फिजिक्स मेंटर तो प्यारे बच्चों जैसा कि मैंने आपसे कहा था मैं हर एक चैप्टर के 30 क्वेश्चंस आप लोग को यहां पर एमसीक्यू पैटर्न पर प्रैक्टिस करा रहा हूं आपके टर्म वन एग्जामिनेशन के लिए तो आज नंबर है हमारे चैप्टर नंबर सिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का तो आइए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कोई भी टॉपिक बच्चों हटाया नहीं गया है आपके सिलेबस से सबसे पहला क्वेश्चन इजी है लेंज लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एनर्जी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और इलेक्ट्रिक चार्ज तो प्यारे बच्चों जो आपका लेंज लॉ है दैट इज बेसिकली द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अगर कोई भी एनर्जी क्रिएट हुई है कोई भी पावर इंड्यूस हुआ है जनरेट हुआ है तो वो वहीं पर उसी सर्किट में पावर लॉस भी हो जाता है इसका मतलब जितना एक्स्ट्रा एनर्जी जनरेट होता है उतना ही एक्स्ट्रा एनर्जी वहां पर लॉस भी हो जाता है और ओवरऑल ये हमारे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को एक्सप्लेन करता है आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू हमसे कह रहा है व्हेन अ मेटलिक स्फीयर इज मूव्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट गेट्स हीटेड ड्यू टू जब भी कोई मेटलिक स्फीयर को हम मैग्नेटिक फील्ड में Move करते हैं, ये heat होने लगता है है? है ऐसा क्यों होता है? पहला इंड्यूस करंट के कारण करंट इन द कॉइल ऑफ मैग्नेट प्रोड्यूसिंग द फील्ड और फ्रिक्शन सो गाइस यहां पर जो गेम है वो एडी करंट का है जब भी, भी कोई कंडक्टर किसी मूविंग मैग्नेटिक फील्ड में सॉरी या फिर किसी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखा हो तो प्यारे बच्चों वहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है उसकी वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है और फिर इंड्यूस्ड करंट आता है वो करंट मैग्नीट्यूड में इतना ज्यादा होता है कि वो सब्सटेंस को रेड हॉट तक कर सकता है मतलब सब्सटेंस के टेम्परेचर को काफी ज्यादा बढ़ा देता है तो प्यारे बच्चों यहां पर करेक्ट आंसर है आपका बी पार्ट दैट इज इंड्यूस्ड करेंट कॉल्ड एडी करेंट आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री है

यानी कि हम लोग अगर लिखें सो दिस इज म्यू नॉट एन स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर इन टू ए ये फॉर्मूला होता है सेल्फ इंडक्शन का अब आइए देखते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट है सो गाइज लॉन्गर विदर नंबर ऑफ टर्नस मतलब नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा हो लेंथ भी ज्यादा हो ऐसे में सेल्फ इंडक्शन की वैल्यू कम होगी क्या अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा देंगे तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी श्योरली लेकिन लेंथ को भी बढ़ाया गया है इसका मतलब कहीं ना कहीं ये लीस्ट वैल्यू को डिनोट नहीं करेगा शॉर्टर विद लेस नंबर ऑफ टर्न ये भी गलत है शॉर्टर विद मोर नंबर ऑफ टर्न मतलब नंबर ऑफ टर्स को बढ़ा दिया जाए लेंथ को कम कर दिया जाए ये दोनों ही कंडीशन सेल्फ इंडक्शन को बढ़ाएगा लेकिन हमसे क्या बोला गया है हमसे बोला गया है लीस्ट लीस्ट सेल्फ इंडक्शन हमें चाहिए least का मतलब क्या हो गया कि लेंथ ज्यादा हो लेकिन नंबर ऑफ टर्न जो है वो कम हो मतलब एन की वैल्यू कम हो और एल की वैल्यू ज्यादा हो ऐसे में ये जो सेल्फ इंडक्शन है प्यारे बच्चों ये आपका मैक्सिमम हो जाएगा सॉरी ये लीस्ट हो जाएगा आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर है वेन एवर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस एन ईएमएफ इज ऑलवेज इंड्यूस्ड एन ई एंड करेंट आर ऑलवेज इंड्यूस्ड and emf is induced but current is never induced and emf is always induced and current is induced when the coil is closed one सो करेक्ट ऑप्शन आपका फोर्थ पार्ट ही है क्योंकि यही यहां पर बेसिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के केस में यही कहा जाता है कि अगर किसी भी से रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज हो रहा है तो इंड्यूस्ड ई हमेशा आएगा बस अगर वो कॉइल क्लोज है वो सर्किट आपका क्लोज है तभी वहां पर इंड्यूस्ड करेंट आएगा अदरवाइज केवल इंड्यूस्ड ई तक का, का काम होगा आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये आपका कॉन्सेप्चुअल बहुत बढ़िया क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर फाइव लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन galvanometer, वोल्टमीटर इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर कह रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो प्रिंसिपल है वो किसके कंस्ट्रक्शन में यूज होता है सो गाइस दैट इज यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर क्लियर है आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स

इस वॉल पर आपने ये एक रिंग को अटैच कर रखा है यहां पर अब अगर मैं मैग्नेट का नॉर्थ पोल ला रहा हूं तो ये जो रिंग है इसमें इंड्यूस्ड करंट इस तरह का आएगा कि वो इस नॉर्थ पोल के आने वाले इस प्रोसेस का अपोज करे अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ अगर ये नॉर्थ पोल पास में जा रहा है और और उसको प्रोसेस का अपोज करना है प्यारे बच्चों तो ये जो एंड है ये जो रिंग है दैट विल आल्सो बिहेव लाइक नॉर्थ पोल नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करने के लिए इसमें जो करंट होगा दैट विल बी एंटी क्लॉक तो करंट का नेचर कैसा हो जाएगा गाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन सो करेक्ट आंसर सिक्स क्वेश्चन का हमारा है सी पार्ट आइए चेक करते हैं तो आप लोग सब लोग देख सकते हैं सी ऑप्शन यानी कि थर्ड ऑप्शन जो है वही हमारा करेक्ट है क्स्ट क्वेश्चन कंसिडर दिचुएशन शोन इन फिगर इफ करेंट आई इन द लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर एक्स वाई इज इनक्रीज इन द लूप ए एंड बी विल बी आपसे कह रहे हैं कि ये जो एक्स वाई कंडक्टर है अगर इसमें जाने वाला करंट जो है करंट को अगर हम लोग इंक्रीज कर दें, करंट को अगर आप बढ़ाएंगे तो प्यारे बच्चों उसके आसपास की मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बढ़ेगी तो इस ए वाले लूप से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा अब आप देखिए अगर मैं राइट हैंड पाम रूल नंबर यूज करूं तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से ए पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी दैट विल बी परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन है प्यारे बच्चों परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स और इसकी वजह से बी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज परपेंडिकुलरली इनवर्ड्स तो यहां पर आप देखिए अगर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है तो इस लूप में करंट ऐसा ही आएगा जो इस प्रोसेस का अपोज करे अगर आप इधर की तरफ करंट बढ़ा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहता है कि लेंज लॉ के अकॉर्डिंग जो करंट आएगा वो हमेशा ऐसा होगा जो ओरिजिनल प्रोसेस का अपोज करेगा तो प्यारे बच्चों यहां पर क्या हो रहा है कि फ्लक्स बढ़ रहा है तो वो चाहेगा फ्लक्स घट जाए इसका मतलब जो इंड्यूस्ड करंट है वो यही चाहेगा कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ क्रिएट हो ए के केस में अगर आप अंदर की तरफ क्रिएट करना चाहते हैं तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल आप खुद देख सकते हैं ए में जो करंट होगा दैट विल बी क्लॉकवाइज और बी में जो करंट होगा दैट विल बी एंटी क्लॉक वाइज सो क्लॉक वाइज इन एंड एंटी क्लॉक इन बी यानी टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एट एट क्वेश्चन है डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ई एम एफ इज डिटर का डायरेक्शन हम लोग किस रूल से या किस लॉ से हम लोग निकाल पाते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल तो गाइज इसका यूज होता है फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए लेंस लॉ ये हो सकता है मैक्सुअल्स राइट हैंड स्क्रू रूल इसका भी यूज होता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए एम्पियस रूल ऑफ स्विमिंग इसका भी यूज होता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जानने के लिए अल्टीमेटली यहां पर करेक्ट आंसर आपका है लेंज लॉ क्योंकि लेंज लॉ ही एक ऐसा है जो डायरेक्शन ऑफ इंड ई या इंड्यूस्ड करेंट की बात आपसे करता है सो करेक्ट आंसर यहां पर गाइज है बी पार्ट आइए चेक करते हैं तो देखिए बी आपका करेक्ट है है द कोफिशियंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एंड ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस मतलब मतलब एम हैज सेम यूनिट्स बट डिफरेंट डायमेंशन डिफरेंट यूनिट बट सेम डायमेंशन डिफरेंट यूनिट डिफरेंट डायमेंशन एंड सेम यूनिट सेम डायमेंशन सो गाइज अगर हम लोग चेक करें ध्यान से फाई इज इक्वल टू एल आई होता है और यहां पर क्या है कि फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल टू एम टाइम्स करेंट इन प्राइमरी कॉइल इसका मतलब अगर आप लोग ध्यान से देखें तो सेल्फ इंडक्शन का जो कोफिशियंट एल होता है दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स सॉरी मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन करंट सिमिलरली अगर आप इसको देखेंगे एम को कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन स इन सेकेंडरी कॉइल अप ऑन करंट इन प्राइमरी कॉइल लेकिन प्यारे बच्चों है तो फ्लक्स अप ऑन करंट ही फ्लक्स अपॉन करंट यह भी है इसका मतलब क्या हुआ कि जो यूनिट्स है और जो डायमेंशन है दोनों ही गाइज सेम होगा इसलिए करेक्ट आंसर यहां पर है फोर्थ पार्ट कमिंग टू क्वेश्चन नंबर टेन टेंथ क्वेश्चन हमारा है अलोज कॉइल विद रेजिस्टेंस आर

उसमें भी माइनस का साइन होता है करंट को हम लोग लिख सकते हैं डी क्यू ओवर डी टी तो यहाँ पर फॉर्मूला एक हमारे पास आ जाता है r, दोनों तरफ से हम लोग guys, dt को कैंसिल कर सकते हैं, यानी टाइम इंटरवल को तो ये फॉर्मूला आपका बन जाता है अमाउंट ऑफ द चार्ज फ्लोन इज इक्वल टू माइनस चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपॉन आर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन आर क्योंकि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर की बात कर रहे हैं यहां पर देखिए इनिशियल फ्लक्स था बच्चों एफ अगर आपने सडनली मैग्नेटिक फील्ड को रिवर्स कर दिया तो चेंज इन फ्लक्स कितना होगा पहले फ्लक्स था एफ बाद में हुआ माइनस एफ तो चेंज कितने का हुआ गाइज टू एफ का है ना टू एफ का फ्लक्स में चेंज हुआ रेजिस्टेंस है आर तो यही वैल्यू हो जाने वाली है अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन इट मींस करेक्ट आंसर यहां पर है हमारा सी पार्ट दैट इज 2f r सो दैट वाज योर क्वेश्चन नंबर 10th एंड करेक्ट आंसर इज सी पार्ट उसी चीज को देख लिखा गया है चार्ज इज इक्वल टू बाई r सो दैट इज 2f r कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन हमारा है द फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल एट एनी इंस्टेंट t इज गिवन बाय फाइव इज इक्वल टू टेन टी स्क्टीवल टू थ्री से पेपर में भी आ चुका है, है. यहां पर गिवेन है और आपसे इंड्यूज ई एम एफ पूछा जा रहा है इंड्यूस्ड ई एम एफ जो होता है दैट इज माइनस का डी फाइव सिंपली राइट हिस्सा टू माइनस डिफरेंसिएशन ऑफ फ्लक्स फ्लक्स का आप डिफरेंसिएशन करेंगे तो दैट विल बिकम ट्वेंटी टी माइनस फिफ्टी टाइम की वैल्यू गाइज आपको दिया हुआ है थ्री सेकेंड तो अगर आप यहां पर थ्री रखेंगे तो दैट विल बी सिक्सटी माइनस फिफ्टी सो करेक्ट आंसर यहां पर हो गया हमारा माइनस टेन वोल्ट सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन यही इंड्यूज डीएमएफ हमसे पूछा गया था तो आइए देखते हैं इसको जैसे ही हम लोग ने सॉल्व किया थ्री सेकेंड की वैल्यू जैसे ही रखेंगे हम लोग करेक्ट आंसर इज माइनस टेन वोल्ट कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 12. ट्वेल्थ क्वेश्चन पर आते हैं इफ number इज द नंबर ऑफ coil, इन value द वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस तो अभी मैंने आप लोग को बताया था कि अगर हम लोग किसी एक coil की बात कर रहे हैं और हम वहां पर सेल्फ इंडक्टेंस निकालना चाहते हैं तो वो सिंपली phi अपॉन i के बराबर होता है ये phi क्या है दिस इज मैग्नेटिक flux, जिसका formula होता है b into a by n। अब क्योंकि अगर आप फ्लक्स निकाल रहे हैं एक नंबर ऑफ टर्न्स के लिए ये होता है बी इन टू एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो n हो जाएगा गाइस टर्न मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम लोग बात लिखें तो दैट इज म्यू नॉट एन आई किसी भी एक सोलिनॉइड की वजह से डिवाइडेड बाई करेंट आई आई से आई हो जाता है कैंसिल और ये बन जाता है एन टाइम्स म्यू नॉट ये जो स्मॉल एन है इसका मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ तो ये बन जाएगा कैपिटल एन बाई एल तो ओवरऑल अगर आप ध्यान से देखें तो दिस इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर सो करेक्ट आंसर हमारा यहां पर है थर्ड वाला दैट मींस दिस वैल्यू ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर आइए चेक करते करेक्ट आंसर यहां पर हमारा थर्ड वाला कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टीन ये अजर्शन रीजन क्वेश्चन है स्टेटमेंट वन है एन इंडक्टर इन द डीसी सर्किट अपोजेज बोथ द स्टडी करंट एंड चेंजिंग करंट कह रहे हैं कि जो इंडक्टर होता है डीसी सर्किट में वो दोनों ही स्टडी करंट और चेंजिंग करंट दोनों को ही अपोज करता है तो गाइज ऐसा तो नहीं होता है किसी भी इंडक्टर की अगर हम लोग बात करें तो उसका रिएक्टेंस होता है ओमेगा एल ओमेगा एल का मतलब होता है टू पाई एफ एल इसका मतलब क्या है कि जो इसका रिएक्टेंस है दैट इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन किस में आता है अल्टरनेटिंग करंट में जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर है अल्टरनेटिंग करंट में इसका वेरिएशन आता है इसलिए इंडक्टर अपना सारा एक्शन सिर्फ और सिर्फ अल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर में दिखाता है प्यारे बच्चों इसलिए ये स्टेटमेंट तो गलत है स्टेटमेंट 2 इंड्यूस्ड ईएमएफ इज जनरेटेड ओनली व्हेन फ्लक्स लिंक्ड विद द इंडक्टर रिमेंस चेंजेस कह रहे हैं कि इंड्यूस केवल तभी तक जनरेट होता है जब तक फ्लक्स की वैल्यू चेंज हो रही हो सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट क्योंकि फ्लक्स में अगर चेंज होगा तभी तक वहां पर इंड्यूस ई आएगा और तभी वहां पर इंड्यूस्ड करंट आएगा सो करेक्ट ऑप्शन है गाइज फोर्थ वाला जिसमें स्टेटमेंट वन फॉल्स है लेकिन स्टेटमेंट टू जो है वो हमारा ट्रू है कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वॉज क्वेश्चन नंबर थर्टीन नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सर्कुलर कॉइल ऑफ एन टर्न्स इज केप्ट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सच दैट द प्लेन ऑफ द कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड प्लेन ऑफ द कॉइल जो है वो परपेंडिकुलर है इसका मतलब कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है ये मैग्नेटिक फील्ड है तो हमारा जो प्लेन है वो कुछ इस तरीके का है इस तरह का प्लेन होने का मतलब इनडायरेक्टली ये बोला गया है कि जो एरिया वेक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है तो ऐसे में फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी बी इन ए अब आइए देखते हैं कि कह रहे हैं कि जो फ्लक्स है वो फाइव के बराबर है नाउ द कॉइल इज ओपन एंड मेड इन टू एनदर सर्कुलर कॉइल ऑफ ट्वाइस द रेडियस अब क्या किया गया उस कॉइल को ओपन कर लिया गया और उसको दोबारा एक कॉइल बनाया गया जिसकी रेडियस प्यारे बच्चों डबल कर दी गई है आपसे कह रहे हैं एंड ट्वाइस द रेडियस ऑफ द प्रीवियस कॉइल एंड कैप्ट इन द सेम फील्ड सच दैट प्लेन ऑफ द कॉइल इज अगेन परपेंडिकुलर टू द फील्ड मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस कॉइल नाउ इज कह रहे हैं कि अब अगर इसको ओपन करके रेडियस हमने डबल किया तो अब मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या होगा तो गाइज सबसे पहले ये देखते हैं कि जो इनिशियल लेंथ थी उस कॉइल की दैट वॉज एल और वो इक्वल हो जाएगी एन टाइम्स टू पाई आर के बराबर इस बार आपने क्या किया लेंथ तो वही है लेकिन ओपन करके आपने उसकी रेडियस को डबल कर दिया तो रेडियस की जगह मैंने टू आर ले लिया अब आप अगर रेडियस को डबल करोगे तो कहीं ना कहीं नंबर ऑफ टर्न्स पर कुछ तो फर्क पड़ेगा तो हम लोग देखते हैं अगर हम लोग इन दोनों को डिवाइड uh, कर लें यहां पर तो ये क्या बन जाएगा वन इज इक्वल टू एन अपॉन टू टाइम्स एन डैश इसका मतलब गाइस क्या हुआ कि न्यू नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो प्रीवियस नंबर ऑफ टर्न्स का आधा हो गया मतलब क्या हुआ कि रेडियस तो डबल हुआ लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो गए गाइस आधा हो गया अब आइए देखते हैं नंबर ऑफ टर्न्स आधा है फ्लक्स पर क्या फर्क पड़ेगा

यानी कि हो जाएगा flux. So guys, ये देखिए इसी का मैंने आपको पूरा solution यहाँ पर के दिया हुआ है. है अब आइए की तरफ बढ़ते हैं. हमसे कह रहा स्टेटमेंट वन पॉसिबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फ्यूजिंग इज हायर एट द टाइम ऑफ स्विचिंग ऑन एंड ऑफ जब हम लोग बार बार स्विच ऑन स्विच ऑफ कर रहे हैं उस समय इलेक्ट्रिक फ्लक्स कह रहे हैं इलेक्ट्रिक बल्ब जो है उसके फ्यूज होने की चांसेस ज्यादा है तो बिल्कुल करेक्ट है जब आप बार बार ऑन ऑफ कर रहे होंगे उस समय वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है उस समय वहां पर करंट की वैल्यू जो इंड्यूस्ड करंट है अगर उसकी वैल्यू काफी ज्यादा है तो वो बल्ब को फ्यूज कर सकता है स्टेटमेंट टू इंडक्टिव इफेक्ट प्रोड्यूसेज अ लार्ज करंट एट द टाइम ऑफ स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ बिल्कुल सही है इसका मतलब दोनों ही स्टेटमेंट सही है और सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो फर्स्ट वाले स्टेटमेंट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो so, यहां पर गाइस करेक्ट आंसर हो गया हमारा ए पार्ट यानी कि फर्स्ट ऑप्शन कमिंग टू 16th क्वेश्चन अ फ्लक्स ऑफ 8.66 मिली वेबर पासस थ्रू ए स्ट्रिप हैविंग एन एरिया 0.02 मीटर स्क्वायर प्लेन ऑफ द स्ट्रिप इज एट एन एंगल 60 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड द वैल्यू ऑफ बी इज यहां पर गाइस आपको फ्लक्स गिवन है फ्लक्स का फार्मूला होता है फाइव इज इक्वल टू तो बी एस थीटा यहां पर देखिए फ्लक्स हमको कितना गिवन है एट पॉइंट सिक्स मिली वेबर मतलब टेन टू दावर माइनस थ्री मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमको निकालनी है एरिया हमको गिवन है जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट जीरो टू इन टू कॉस अब इसमें सोचे इसमें ये जो थीटा होता है दैट इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फ्लक्स सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। इन दोनों के बीच का एंगल होता है लेकिन यहां पर हमसे क्या बोला गया कि प्लेन ऑफ द स्ट्रिप इज मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ये एरिया का प्लेन का एंगल है मैग्नेटिक फील्ड से ठीक है एरिया का जो प्लेन है अगर वो एरिया ऐसा है तो ये प्लेन हुआ मैग्नेटिक फील्ड आपका कुछ इस तरीके का है ये मैग्नेटिक फील्ड हुआ इन दोनों के बीच का ये जो प्लेन है ये प्लेन इसके साथ एंगल बना रहा है 60 डिग्री का गा। लेकिन गाइस हमको एरिया के प्लेन से नहीं मतलब होता है हमको तो एरिया वेक्टर से मतलब होता है जो कि हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होता है तो अगर ये वाला एंगल गाइस 60 है तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा दैट एंगल विल बी थर्टी तो हम लोगों को यहां पर कंसिडर करना चाहिए कॉस

जो एरिया है एरिया के प्लेन से मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है गाइस तो ये डायरेक्टली अप्लाई किया जाता है जैसे ही आप अप्लाई करेंगे वैल्यू आ जाएगी जीरो पॉइंट फाइव टेस्ट करेक्ट आंसर हो गया हमारा ए पार्ट यानी कि फर्स्ट ऑप्शन बहुत ध्यान से इस तरह के क्वेश्चन को पढ़िएगा कहीं ऐसा ना हो कोई कोई एंगल दिया हो और आपने जल्दबाजी में बीए का औसटा लगा दिया क्वेश्चन गलत हो जाए ऐसा मत करिएगा बहुत सिंपल क्वेश्चन था लेकिन ध्यान से पढ़ने लायक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन जीरो पॉइंट नाइन वेबर ऑफ जीरो जब भी कभी मोशन की बात किया जाए तो समझ जाइएगा वहां पर मोशनल ई एम एफ हम लोग को निकालना है एंड उसका फॉर्मूला होता है बी वी एल मैग्नेटिक फील्ड कितना है जीरो पॉइंट नाइन स्पीड कितनी है सेवन और लेंथ कितना है जीरो पॉइंट फोर इसी को इसी चीज को अगर हम लोग सिंपली मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे तो वी विल गेट द वैल्यू टू पॉइंट फाइव टू वोल्ट दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए सो ए ऑप्शन इज करेक्ट जब भी कभी किसी रॉड के मोशन की बात करें एरोप्लेन के मोशन की बात करें तो वहां पर हमेशा ही मोशनल ई एम एफ का कॉन्सेप्ट होता है दैट इज बी वी एल कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 हम लोगों से कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18 अ व्हील हैज थ्री स्पोक्स एंड इज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन विद द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द व्हील पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड ठीक है मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल व्हील का एक्सिस ऑफ रोटेशन है क्लियर

ई एम एफ इंड्यूज बिटवीन द सेंटर एंड रिम विल बी कह रहे हैं कि ई एम एफ इंड्यूज कितना होगा तो देखिए अगर कोई भी इस तरीके का रिम है जो कि यहां पर ऐसे रोटेट हो रहा है किसी मैग्नेटिक फील्ड में तो गाइज वहां पर भी यही होता है कि फ्लक्स चेंज होता है उस फ्लक्स की वैल्यू होती है बी इंटू ए एरिया किसके बराबर है पाईआर स्क्वायर के बराबर क्योंकि इसका रेडियस कुछ आर है ये हो गया इसका फ्लक्स अब अगर हमें फ्लक्स पता है तो हम यहाँ से दैट इज बी टाइम पीरियड है इस को, अगर हम लोग ओमेगा के टर्म्स में लिखना चाहें तो दैट विल बी टू पाई बाई ओमेगा ओमेगा चला जाएगा ऊपर ये हो जाएगा आपका कैंसिल तो ई एम एफ की जो वैल्यू आई बी आर ओमेगा बाई टू यहां पर गाइस ध्यान से देखो ये जो ईएमएफ है दिस ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा नंबर ऑफ स्पोक्स कितने हैं उससे इसको मतलब नहीं है ठीक यहां पर सीधे सीधे हमको रिलेशन किससे होता है ओमेगा से होता है अगर आपने ओमेगा को आधा किया तो सीधे सीधे ईएमएफ भी आपका आधा हो जाएगा नंबर ऑफ स्पोक्स कितने हैं उससे यहां पर कोई फर्क इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में नहीं पड़ता है गाइस सो एटीन क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा है सेकेंड ऑप्शन ये देखिए यहां पर वो इसी चीज को लिखा गया है कि ये सीधे सीधे सिर्फ ओमेगा पर डिपेंडेंट है ओमेगा अगर आधा हुआ तो ई भी हमारा आधा हो गया आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लो. question है, question question हम लोग अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 19 हमसे कह रहा है इफ द करंट इज डिक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ इसका मतलब हम लोगों को गाइज यहां पर दिया हुआ है डी ए बाई डी टी इनफैक्ट करंट है करंट डिक्रीज हो रहा है तो हम लोग को दिया हुआ है डी आई बाई डी टी करंट के डिक्रीज होने का जो रेट है दैट इज थाउजेंड एम्पियर पर सेकेंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा सो वी ए माइनस आई आर आई so, आर कितना हो जाएगा गाइस फोर माइनस थ्री अब ये क्या है इंडक्टर है सो माइनस एल डी आई डी टी डी आई अपॉन डी टी दैट विल बी इक्वल टू वी बी तो गाइस हम लोग लिख सकते हैं वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू फोर प्लस थ्री सेवन प्लस एल इंडक्टर एल की वैल्यू दी है वन मिली हेनरी मतलब वन इंटू टेन टू दी पावर माइनस थ्री और डी आई वाई डी टी क्वेश्चन में गिवन है थाउजेंड के बराबर सो दैट विल बी अगेन मल्टीप्लाइड बाई वन थाउजेंड तो वैल्यू कितनी हो जाएगी सेवन प्लस वन तो करेक्ट आंसर गाइज है यहां पर फोर्थ ऑप्शन दैट इज एट वोल्ट बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये हम लोगों ने क्रिच लॉ लगा लिया है ए से लेकर बी तक आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन हमारा है एन एवरेज ईएमएफ ऑफ 32 वोल्ट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल इन विच करंट ड्रॉप्स फ्रॉम 10 एम्पीयर टू 2 एम्पीयर इन 0.1 सेकेंड। हम लोग को एवरेज ईएमएफ पता है जो कि इंड्यूस्ड हुआ है हम लोग को करंट में चेंज पता है टाइम पता है इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल इज कॉइल का इंडक्टेंस हमको निकालना है तो देखिए जो ईएमएफ होता है हमारा डेल्टा फाइव ओवर डेल्टा टी अगर किसी कॉइल की बात कर रहे हैं तो यही ई एम एफ हमारा एल डी आई बाई डी टी भी होता है अब आइए देखते हैं कौन सा फॉर्मूला यूज होगा यहां पर हम लोग को इंड्यूस्ड ई एम एफ पता है थर्टी टू इंडक्टेंस कॉइल का पूछा जा रहा है करंट में चेंज कितने का हुआ है ए टेम्पियर का टाइम कितना लगा है जीरो पॉइंट वन तो यहां से हम लोग देख सकते हैं

पाइप ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए दिन सेंटीमीटर स्क्वायर एंड लेंथ ट्वेंटी सेंटीमीटर एरिया है ए और लेंथ है ट्वेंटी सेंटीमीटर इफ वन ऑफ द्री हंड्रेड टर्न एंड द अदर हैज फोर हंड्रेड टर्न देन देर म्यूचुअल इंडक्टेंस विल भी हमसे यह पूछा जा रहा है कि उनका म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होगा सो गाइज म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न इन द प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न इन द सेकेंडरी डिवाइडेड बाई ले सोलिनोइड इन टू एरिया किसका होता है, ये area आपका secondary coil का होता है. तो आइए देखते हैं यहां पर जो जो हमको डेटा गिवन है अकॉर्डिंग टू दिस म्यू नॉट की वैल्यू होती है फोर पाई इंटू टेन टू दावर माइनस सेवन नंबर ऑफ टर्न हमें दोनों के गिवेन है थ्री हंड्रेड और फोर हंड्रेड

इसी को आप सिंप्लीफाई करेंगे एंड यू विल सिंपली गेट योर आंसर तो आइए देखते हैं इसी को करने पर वैल्यू आखिर किसके बराबर आती है जैसे ही हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे द वैल्यू विल बी पाई टू पावर माइनस फोर हेनरी सो करेक्ट आंसर यहां पर कौन सा हुआ गाइज फोर्थ ऑप्शन ठीक है म्यूचुअल इंडक्टेंस हमें निकालना था सो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है अ रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ सिंगल टर्न हैविंग एरिया ए रोटेट्स इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द फील्ड सही है इफ इनिशियली द प्लेन ऑफ द कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड देन एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ व्हेन इट हैज रोटेटेड थ्रू 90 डिग्री इज कह रहा है कि पहले इनिशियल कंडीशन में क्या था कि प्लेन ऑफ द कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड तो अभी मैंने आपसे बताया था थोड़ी देर पहले अगर प्लेन ऑफ कॉइल फील्ड के परपेंडिकुलर है इसका मतलब एरिया वेक्टर फील्ड की डायरेक्शन में है तो इनिशियल फ्लक्स जो था हमारा वो b इंटू ए के बराबर है जबकि फाइनली आपसे बोला गया कि जो कॉइल है उसको 90 डिग्री घुमा दिया गया मतलब अगर वो कॉइल पहले ऐसे रखा था तो कॉइल को ऐसे रख दिया गया कॉइल को ऐसे रखने का मतलब अब जो एरिया वेक्टर है दैट इज लाइक दिस फील्ड इधर की तरफ है एरिया वेक्टर ऐसा है तो एंगल कितना हो गया 90 तो इनिशियल फ्लक्स भले इतना रहा हो लेकिन फाइनल फ्लक्स हमारा किसके बराबर है जीरो के बराबर तो चेंज इन फ्लक्स चेंज इन फ्लक्स हमारा b इन टू ए के बराबर हो गया guys. ये तो है हमारा चेंज इन फ्लक्स हमको निकालना क्या है इंड्यूस्ड ई एम एफ इंड्यूस्ड ई एम एफ जो होता है दैट इज चेंज इन फ्लक्स अपॉन चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम तो सोचो अगर 90 डिग्री से आपने घुमाया है तो टाइम कितना लगा होगा दैट टाइम विल बी टी बाई फोर T बाई फोर और वो फोर कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा ये जो T होता है प्यारे बच्चों इस T को हम लोग लिख सकते हैं ना टू पाई ओमेगा तो वो ओमेगा भी ऊपर जाएगा अब आइए इसी को अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो बन जाएगा टू बी ओमेगा अपॉन पाई तो ये वैल्यू कितनी है टू बी ओमेगा अपॉन पाई यानी कि करेक्ट आंसर हमारा है फोर्थ पार्ट ट्वेंटी टू क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डी पार्ट इज दैट मीन फोर्थ पार्ट आइए 23rd क्वेश्चन हमारा एन इंडक्टर ऑफ 12 मिली हेनरी एंड रेजिस्टर ऑफ 4 किलो ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस अ बैटरी ऑफ 240 वोल्ट थ्रू अ स्विच आफ्टर क्लोजिंग द स्विच करंट इन द सर्किट स्टार्ट्स ग्रोइंग व्हेन द करंट इज 15 मिली एंपियर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर कह रहे हैं इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा यहां पर देखिए क्या किया गया एक इंडक्टर है इस इंडक्टर को कनेक्ट किया गया है एक रेजिस्टर से इंडक्टर जो है आपका वो 12 मिली हेनरी का है रेजिस्टर आपका 4 किलो ओम का है कनेक्टेड इन सीरीज विद अ बैटरी ऑफ एक बैटरी से कनेक्ट किया गया 240 वोल्ट थ्रू स्विच फ्टर क्लोजिंग द स्विच जैसे ही हमने इसको क्लोज किया करेंट बढ़ने लगा वेन द करेंट इज फिफ्टीन मिली एमपियर कह रहे जब करेंट की वैल्यू फिफ्टीन मिली एम्पियर है इंडक्टर विल भी कह रहे इस इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है सो so गाइज इस तरह के क्वेश्चन में देखिए आप क्या करेंगे टोटल क्योंकि यहां पर डीसी है हमारे पास तो टोटल वोल्टेज कितना हमारे पास दो सो चालीस उस 240 में से आपको यह देखना है कि कितना वोल्टेज कंज्यूम कर जाएगा यह रेजिस्टर। तो रेजिस्टर ने कितना कंज्यूम किया 60, तो 60 टू तो फोर्टी में से तो कितना बच गया गाइज वन यही वन किसको मिलेगा इसको मिलेगा सो so 180 वोल्ट जो है वो इसके पास जाएगा लेकिन प्यारे बच्चों यही क्वेश्चन में अगर यहां पर अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स जोड़ा गया होता तो कॉन्सेप्ट पूरा बदल जाता वहां पर फिर हम इसी चीज को फेजर के थ्रू सॉल्व करते फिलहाल कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है लेकिन इसका आंसर है 180 वोल्ट क्वेश्चन नंबर 24 आइए देखते हैं बहुत ही बढ़िया प्यारा सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर वायर बेंट शोन द फिगर इज रिलीज टू फॉल फ्रीली इन अजोटल मैग्नेटिक फील्ड विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कंडक्टर यह है इसको ऐसे फ्रीली जो है छोड़ दिया गया है इफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज बी इंड्यूसड ई एम एफ अक्रॉस द पॉइंट ए एंड सी वेन इट हैज फॉलन थ्रू अ डिस्टेंस एच विल बी देखिए अगर इसको वर्टिकली ऐसे छोड़ा गया है ठीक तो यहां पर क्या होगा कि जब ये एच हाइट अंदर चला जाएगा बेटा तो ये कितनी वेलोसिटी एक्वायर कर लेगा इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो थी स्क्वायर बराबर टू इंटू जी इंटू एच देखो यहां पर लिखा हुआ है फ्रीली फ्रीली का मतलब जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली गिरता है तो एक्सलरेशन कौन सा होता है एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो इसकी वेलॉसिटी कितनी हो चुकी है अंडर रूट टू जी एच ये तो वेलोसिटी हो चुकी है अब क्योंकि मोशन की वजह से हमें ईएमएफ निकालने की बात कर रहा है लेंथ है, तो वैल्यू कितनी हो जाने वाली है ये वैल्यू ईएमएफ की कितनी होगी? तो यहां पर सोचो मैग्नेटिक फील्ड है बी वेलोसिटी कितनी है अंडर रूट टू जी एच अब बात आई लेंथ तो लेंथ किसके किसके बीच की है देखिए हमसे बोला गया है बिटवीन पॉइंट एंड सी ए और सी के बीच का तो ए और सी के बीच का ये जो लेंथ है गाइस अगर आप पाइथागोरस थ्योरम भी लगाएंगे तो दिस बी अंडर रूट टू टाइम्स एल ठीक है ना तो पाइथागोरस लगाया हमने और ये वैल्यू कितनी आ गई अंडर रूट टू टाइम्स एल तो ये वैल्यू कितनी आ गई अंडर रूट टू इंटू अंडर रूट टू हो जाएगा आपका टू बी एल अंडर रूट जी एच तो टू बी एल अंडर रूट एच यानी कि करेक्ट आंसर यहां पर हो गया गाइज हमारा सी ऑप्शन दैट इज अ वेरी 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 गुड क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा है इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन बी अ वायर इज इन द फॉर्म ऑफ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस आर रोटेट्स अबाउट डायमीटर ऑफ द सर्कल विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज आर द मीन पावर जनरेटेड पर पीरियड ऑफ रोटेशन इज आपसे कह रहे हैं कि कितना पावर जनरेट हो जाएगा सो गाइज पावर का फॉर्मूला पावर जनरेटेड का फॉर्मूला क्या होता है पी बराबर आई स्क्वायर आर अगर आप इंड्यूस्ड ई एम एफ निकाल पाए ठीक तो करंट आ जाएगा तो बस वहीं से हम लोग को सॉल्व करना है आप लोग देख सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी होती है थीटा सो so, है तो एरिया कितना होगा थीटा क्योंकि रोटेट हो रहा है तो एंगल की जगह हम लोगों ने क्या लिखा ओमेगा इंटू टी लिखा ठीक यहां से हम लोगों ने निकाला इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे निकालेंगे माइनस डी फाइव बाई डी टी इसको डिफरेंशियट करेंगे जैसे ही डिफ्रेंशियट करेंगे देखिए वन बाई टू बी पाई आर स्क्वायर तो बी पाई आर स्क्वायर कॉस ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन करेंगे प्यारे बच्चों तो कितना आएगा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास वो माइनस और ये माइनस हो गया प्लस तो ये देखिए लिखा है हमने ओमेगा साइन ओमेगा टी अब इसके बाद का काम क्या करना है जब हमें ई एम एफ पता चल गया है तो अब हम लोग निकालेंगे पावर पावर का फॉर्मूला क्या है स्क्वायर स्क्वायर या फिर R, जो आप लगाना चाहें तो हम लोग यहां पर पावर सीधे सीधे निकालेंगे स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस वो जो ई एम एफ हम लोगों ने पीछे निकाला था उसका स्क्वायर किया रेजिस्टेंस से हम लोगों ने डिवाइड किया तो अल्टीमेटली ये वैल्यू आई लेकिन इसमें भी ध्यान देने वाली बात यह कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी लिखा है किसी भी साइन स्क्वायर थीटा जैसे टर्म की एवरेज वैल्यू होती है प्यारे बच्चों वन बाई टू साइन स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू कितनी होती है वन बाई टू तो ये रिजल्ट आप डायरेक्टली यूज करेंगे और वो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहे हैं इन स्टेडी स्टेट द करंट थ्रू इंडक्टर विल बी इस इंडक्टर के थ्रू कितना करंट जाएगा बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है देखो एक कैपेसिटर है एक इंडक्टर है बाकी रेजिस्टर्स हैं जब स्टेडी स्टेट की बात करेंगे तो होता यह है कि जब यहां से करंट निकलेगा स्टेडी स्टेट के केस में गाइस अगर हम कैपेसिटर को देखें तो कैपेसिटर का रिएक्टेंस होता है 1 अपॉन ओमेगा सी मींस 1 अपॉन 2 पाई एफ सी इसका जो रिएक्टेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होती है मतलब अगर हम डीसी करंट की बात करेंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी तो जीरो है क्योंकि डीसी करंट में गाइस कोई भी ऑसिलेशन या कोई भी चेंज होता नहीं है तो फ्रीक्वेंसी जीरो होने का मतलब इसका रिएक्टेंस इनफाइनाइट होता है तो कैपेसिटर जो है स्टेडी स्टेट में बिल्कुल भी करंट को एक्सेप्ट गाइज नहीं करता क्योंकि उसका रेजिस्टेंस उसका जो रिएक्टेंस है वो इनफाइनाइट हो जाता है तो इसमें तो कोई करंट जाएगा ही नहीं तो ये तो बिल्कुल क्वेश्चन से समझ लीजिए हटाई दिया गया ये है ही नहीं और इंडक्टर जो होता है इंडक्टर का रिएक्टेंस होता है ओमेगा एल ओमेगा होता है टू पाई एफ सो दू पाई एफ एल तो आप देख सकते हैं दिस इज प्रपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी डीसी के लिए फिर से वही बात क्योंकि यहां पर क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी जीरो है इसलिए ये कोई भी भी रिएक्टेंस शो नहीं करेगा इसका मतलब ये भी समझ कर मतलब समझ समझ लीजिए एक सिंपल कंडक्टिंग वायर की तरह बिहेव कर जाएगा लो क्वेश्चन में यह है ही नहीं ये सिंपल एक कंडक्टिंग वायर है तो देखिए ये दोनों चीजें सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दी गई है यहां से प्यारे बच्चों आई करेंट निकलेगा वाई करंट इससे होता हुआ यहां से होता हुआ यहां तक पहुंचेगा इस जगह पर इसको डिवाइड होना है इधर भी रेजिस्टेंस आर है इधर भी आर है तो ये आधा आधा डिवाइड आधा आधा डिवाइड हो जाएगा यहां पर करंट चला जाएगा आई बाई टू इसमें भी जाएगा आई बाई टू फाइनली वापस जुड़ करके आई करंट वापस चला जाएगा तो यही हमें सिंपल निकालना है हमको अगर आई करंट की वैल्यू मिल जाए तो प्यारे बच्चों हम इसमें जाने वाला करंट निकाल सकते हैं कि भाई कितना करंट होगा तो आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे ये आर और ये आर पैरेलल में है आर और आर का पैरल क्या होता है आर वाई टू ठीक ये आर वाई टू इस वाले आर के साथ गाइस सीरीज में है आर और आर वाई टू का सीरीज सॉल्व करोगे थ्री आर वाई टू हमको निकालना क्या है करेंट तो आप देख सकते हैं थ्री सॉरी ये जो आर वाई है ये आर और ये भी एक आर है तो आर आर टू ये सीरीज में इस 2R के साथ ये वाला R बाई टू भी सीरीज में है तो 2R आर प्लस आर बाई टू यानी कि 5R आर बाई टू ये तो हुआ इसका रेजिस्टेंस हमको निकालना क्या है करंट करंट क्या होता है भाई ई एम एफ अपॉन रेजिस्टेंस दैट इज फाइव आर बाई टू तो वो टू जाएगा आपका ऊपर लेकिन इंडक्टर में जाने वाला करंट है प्यारे बच्चों आई बाई टू मतलब ये जो भी आया है इसका आधा तो ये टू भी हट जाएगा तो आंसर हमारा कौन सा हुआ ई अपॉन फाइव आर आइए देखते ट्वेंटी सिक्स का करेक्ट आंसर कौन सा है हमारा देखिए इसको जैसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे e upon 5R by 2, ये ऊपर जाएगा उसका भी आधा करेंगे तो टू कैंसिल हो जाएगा फाइनली आंसर आ जाएगा e 5R. So guys, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन पिछला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया था 27th क्वेश्चन अगेन इट इज अ वेरी 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 गुड क्वेश्चन इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा जा रहा है अ कंडक्टिंग रॉड पीक्यू ये पीक्यू रॉड है ऑफ लेंथ एल एंड मास एम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट एज शोन इन फिगर द रेजिस्टेंस ऑफ द रॉड इज आर इस रॉड का रेजिस्टेंस आर है रेजिस्टेंस ऑफ ऑल रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द सर्किट इज नेगलिजिबल एंटायर सिस्टम इज इन वर्टिकल प्लेन एंड अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी इज प्रेजेंट इन द रीजन डायरेक्टेड इन टू द्लेन ऑफ दर्क डन बाई द रॉड इ क्या होगा अगर ये रॉड है तो इस रॉड का एमजी लगेगा इधर की तरफ और आपसे यही बात कहा जा रहा है कि मैक्सिमम वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस कितना होगा तो भाई इस रॉड के पास जितनी स्पीड आ जाएगी उसकी वजह से जितनी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी उतना ही तो वर्क डन हो सकता है मैक्सिमम प्यारे बच्चों तो यहां पर बस आपको यही चीज देखना है कि भाई इसकी स्पीड कितनी है तो यहां पर आइए उसी चीज को हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि इसकी स्पीड कितनी है देखिए अगर हम लोग पिछले सिचुएशन की हम लोग बात करें तो यहां पर क्या है करंट इस सिचुएशन में कितना होता है बी वी एल बाई आर ठीक है ये करंट हो गया दैट इज ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस अब अगर हमें करंट पता है तो हमको फोर्स पता है इस पर फोर्स कितना लग गया दैट फोर्स इज बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर ठीक ये फोर्स हो गया वेलोसिटी लेट अस सपोज v है ठीक तो यही फोर्स हमारा किसके बराबर हो जाने वाला है mg के बराबर हो जाने वाला है तो इससे हमको v नॉट वेलोसिटी मिल गई मतलब आखिर इस रॉड की वेलोसिटी कितनी होगी जब रॉड की वेलोसिटी आपको मिल गई है तो अब आप रॉड की काइनेटिक एनर्जी निकाल लीजिए वही उतना वर्क डन हो सकता है दैट इज वर्क एनर्जी थ्योरम तो हम लोग यहां पर गाइस अप्लाई करेंगे मैक्सिमम वर्क कितना है विल बी इक्वल टू इट्स काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी एनर्जी और वो हमारी फर्स्ट पार्ट के बराबर आ जाएगी सो दिस वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्या था आपने अभी पीछे देखा था मैं एक बार फिर से आप लोग को दिखा दे रहा हूं सभी लोग ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में आपसे यह कहा गया था कि एक रॉड रॉड है ये जैसे ही नीचे जाएगा बेटा देखिए यहां पर एक इस पर लगेगा एम फोर्स जो कि इसका अपना वेट है एक फोर्स यहां पर इंड्यूस्ड फोर्स आएगा जो कि इस प्रोसेस का क्या करेगा अपोज करेगा और वो इंड्यूस्ड फोर्स जो होता है वो आई बी एल साइन थीटा है ना ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि जब ये नीचे जाएगा तो इससे जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा उस इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला होता है बी वी एल अगर इसका रेजिस्टेंस आर है तो करंट हो गया ई अपॉन रेजिस्टेंस दैट इज बी वी एल आर ये रॉड अब कैसा रॉड है ये एक करंट कैरिंग रॉड है करंट कैरिंग रॉड मैग्नेटिक फील्ड में अगर होता है तो फोर्स लगता है और उस फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है आई बी एल साइन है इसलिए आई बी एल तो आप देख सकते हैं करंट की वैल्यू हमारे पास है बी वी एल अपॉन आर इसमें भी अगर हम बी एल का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्यारे बच्चों बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर ये वैल्यू हो जाती है फोर्स की अब देखो ये फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल राइट हैंड रूल लगाओगे तो पता चलेगा फोर्स की वैल्यू को मैं जैसे ही एम जी के बराबर करूंगा तो प्यारे बच्चों हमको वेलॉसिटी मिल जाएगी किसकी इस रॉड की जब इस रॉड की वेलॉसिटी मिल जाएगी तो रॉड की कैनेटिक एनर्जी मिल जाएगी और जितनी कैनेटिक एनर्जी होगी वही उतना तो वर्कडन वो कर सकता है ज वर्क एनर्जी थियोरम जो की आप लोगों ने क्लास इलेवेंथ में पढ़ रखी थी तो उसको जैसे ही आप लगाएंगे आपका फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा इट वॉज अ वेरी गुड क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है अच्छा क्वेश्चन है तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको कुछ क्वेश्चन मिल सकते हैं आपके टर्म वन एग्जामिनेशन में कमिंग टू ट्वेंटी एट क्वेश्चन अट्ठाइसवां क्वेश्चन देखिए इसमें कहा जा रहा है अरेक्टेंगुलर लूप हैज अलाइडिंग कनेक्टर पी क्यू ये जो लूप है इसमें एक स्लाइडिंग कनेक्टर है पी क्यू ऑफ लेंथ एल इसका जो टोटल लेंथ है 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 वो एंड रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस ओम इट इज मूविंग विद स्पीड एज शोन राइट साइड में ये पूरा का पूरा पी क्यू जो है वो राइट right साइड में मूव कर रहा है द सेटअप इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड गोइंग इन टू द प्लेन ऑफ पेपर तो मैग्नेटिक फील्ड पूरे इस क्वेश्चन के दौरान कितना है क्रॉस क्रॉस मतलब अंदर की तरफ है इन साइड द प्लेन द थ्री करेंट्स आई वन आई टू एंड आई विल बी तो देखो बेटा अगर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है और ये एक रॉड है जो कि मूव कर रहा है तो ये मोशनल ई हो गया मोशनल ई का मतलब ये जो रॉड है दिस विल बिहेव लाइक दिस इट विल बिहेव लाइक अ सेल ठीक ये चीज हमने कैसे निकाला इसके लिए हम लोग फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगा करके ये देख सकते हैं कि इस मूविंग रॉड की वजह से जो इंड्यूस्ड करंट आएगा वो किस डायरेक्शन में आएगा तो प्यारे बच्चों फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगाते हैं मैग्नेटिक फील्ड अंदर है मोशन ऑफ द कंडक्टर आपका राइट right साइड में है, तो मैंने थंब को राइट right में दिखाया मिडिल फिंगर किधर आया ऊपर इसका मतलब ये करंट किधर की तरफ देगा ऊपर की तरफ देगा मतलब ये जो एंड है ये जो रॉड है दिस विल सिंपली बिहेव लाइक दिस टाइप ऑफ सेल जो कि इस तरीके का करंट देगा और जब ऐसा करंट देगा तो वो कुछ करंट आई वन इधर जाएगा बाकी करंट आई टू जो है वो इधर जाएगा आई वन प्लस आई टू, आई के बराबर हो जाएगा आइए इसी चीज हम लोग सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके वैल्यूज को देखते हैं आखिर कि यहां क्या होने वाला है तो देखिए आई करंट आया वो आई करंट इधर भी गया वो आई करंट इधर भी गया ऐसे में आप किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगा सकते हैं सिंपली जैसे ही आप किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगाएंगे आप लोग देख सकते हैं इक्वेशन नंबर वन आपको मिलने वाला है फ्रॉम दिस लूप कैसे लगाते हैं प्यारे बच्चों मैं आपको याद दिला दे रहा हूं ये प्लस है ये माइनस है जब करंट ऐसे आएगा तो ये हाई वोल्टेज होगा ये लो वोल्टेज होगा करंट इस तरीके से जा रहा है ये हाई वोल्टेज है और ये लो वोल्टेज है सिमिलरली करंट जब ऐसे जाएगा तो ये प्लस है ये माइनस है अब ये पहला लूप है इस लूप के लिए हम लोग किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगा रहे हैं ठीक जिधर की तरफ पहुंचेंगे वो साइन हम लोग लेते चले जा रहे हैं और ये हमारा इक्वेशन बन गया इसमें बस ध्यान ये रखिएगा कि ये जो सेल है इस सेल का पोटेंशियल कितना लेंगे जितना इसका ई है और वो ई प्यारे बच्चों वो ई किसके बराबर होगा दैट विल बी बी वी एल मैंने कहा था ना मोशनल ई एम बी वी एल के बराबर हो जाएगा तो बस सिंपल आप देख सकते हैं आई वन आर प्लस आई आर माइनस बी वी एल दैट इज इक्वल टू जीरो दिस इज योर इक्वेशन नंबर वन सिमिलरली इक्वेशन नंबर टू मिलेगा हमको दूसरे वाले लूप से इस वाले लूप से हमको यहां से इक्वेशन नंबर टू मिल जाएगा ये दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे

29. बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दिख रहा है अ लूप शोन इन द फिगर इज प्लेस्ड इन द वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड इन टू पेज मतलब फिर से वही बात है पूरे क्वेश्चन में इस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ विच इंक्रीजेस विद टाइम इफ द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द लूप इज आर लूप का रेजिस्टेंस अगर आर है देन डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द करेंट इन द इनर सर्कल इज कह रहे हैं ये अंदर वाला ये जो सर्कल है इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी ये हमको देखना है करंट का क्या वैल्यू है और क्या डायरेक्शन है अच्छा देखो यहां पर ये बोला जा रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज इंक्रीजिंग विद टाइम अगर मैग्नेटिक फील्ड प्यारे बच्चों इंक्रीज कर रहा है तो इंड्यूस्ड करंट जो होगा वो चाहेगा कि मैग्नेटिक फील्ड को हम डिक्रीज करें मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और इंक्रीज हो रहा है तो आप सोचो ये जो बड़ा सा लूप है ये लूप में कैसा करंट इंड्यूस होगा मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है तो वो चाहेगा मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ हो जाए इसका मतलब करंट कैसा होना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज अगर इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा ऐसा तो यहां पर जो करंट जाएगा वो ऐसे घूमेगा इसका मतलब अंदर करंट कैसा है अंदर वाले लूप में करंट कैसा है प्यारे बच्चों, तो आंसर या तो ये हो सकता है या तो ये या तो ये तो ये ऑप्शन तो 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 नहीं होगा, तो ये बिल्कुल तो ही गलत हो गया अब आइए देखते हैं कि आखिर करंट की वैल्यू क्या होती है तो भाई करंट जो होगा आई दैट इज ई एम एफ अपॉन रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस आर है ई के बारे में सोचो मैग्नेटिक फील्ड है बी और एरिया कितना है प्यारे बच्चों एरिया कितना है अगर आप एरिया देखोगे तो एरिया पूरे एरिया में से आप अंदर का एरिया, करो भाई। पूरा एरिया कितना है टू बी इंटू टू बी मतलब फोर बी स्क्वायर उसमें से अंदर का एरिया अगर मैं सपरेट करूंगा दैट इज पाई ए स्क्वायर तो ये तो हो गया हमारा एरिया डिवाइडेड बाई आर तो आइए देखते हैं कौन सा ऐसा ऑप्शन है हमारा सो करेक्ट ऑप्शन यहां पर कौन सा है तो ये तो देखिए मैंने पूरा आपको बताया कैसे हमने सॉल्व किया है एंड देन हमारा लास्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री लॉन्ग रॉड्स ए ए बी बी CC are moving with speed V in the uniform magnetic field B as shown in the figure. कह रहे हैं कि ये वाला जो रॉड है ये वाला जो रॉड है वो V velocity से ऐसे जा रहा है ये वाला जो रॉड है वो V velocity से ऐसे जा रहा है ये वाला रॉड V velocity से ऐसे जा रहा है The triangle formed between the three wires are always equilateral triangle. तीनों वायर्स मूव भले कर रहे हैं लेकिन इनकी वजह से प्यारे बच्चों जो ट्रायंगल बनेगा वो हमेशा कैसा होगा इक्वीलिटर ट्रायंगल होगा द इंड्यूस्ड करंट इन द ट्रायंगल इज कह रहे हैं इंड्यूस्ड करंट ट्रायंगल का कितना होगा इफ रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर इज लैम्डा लेट अस सपोज इक्वीलिटर ट्रायंगल है तो लेंथ हम एल मान सकते हैं सभी का तो सभी का रेजिस्टेंस कितना हो गया लैम्डा इन एल भाई क्योंकि यहां पर रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ कितना है लेमडा तो ये हो गया लेमडा इंटू एल इसका रेजिस्टेंस एल इसका अगर ये रॉड मूव कर रहा है बेटा तो ये मोशनल प्रोड्यूस करेगा इसका मतलब यहां पर एक इंड्यूस ई भी आ जाएगा एंड दैट ई एम विल बी बी तो ई आया तीनों का तो थ्री बी वी एल थ्री टाइम्स बी वी एल तीनों का और रेजिस्टेंस भी तीनों का हो जाएगा सो so तो ये वैल्यू हो जाने वाली है यहां पर गाइस करंट की वही इंड्यूसड करेंट हमसे पूछ रहा है कि भाई टोटल ईएमएफ कितना है डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस कितना है थ्री से थ्री कैंसिल लेंथ लेंथ से कैंसिल वैल्यू हो गई बी वी बाई लेडा तो देखते हैं ऐसा कौन सा ऑप्शन है तो ऐसा तो हमारा एक ही ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर डी सो प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर आप देख सकते हैं यहां पर कितना है नेट ई आया थ्री बीवीएल नेट रेजिस्टेंस भी हमारा आएगा कितना थ्री टाइम्स लैम्डा एल क्योंकि तीनों हैं और तीनों जो है वो सीरीज में हो जाएंगे क्योंकि तीनों एक, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं तो प्यारे बच्चों ये थर्टी क्वेश्चंस मैंने आपको इस सिक्स्थ चैप्टर यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के करवा दिए हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को आप जरूर चेक करिएगा उसमें आप को पर के भी उसको आप लोगों को अच्छे से तैयार करना है ये जो क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं इनको तैयार करना है इसी तरह के क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम पूछने वाला है सो so गाइज अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट और लास्ट चैप्टर ऑफ टर्म वन एग्जामिनेशन दैट इज ऑल्टरनेटिंग करेंट तो बहुत जल्दी हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ आएंगे तब तक गाइज आप सभी मेहनत करते रहे पढ़ते रहे और कोई भी डाउट आए तो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं सो गुड बाय गाइज टेक केयर